स्वागत है आज के स्पोर्ट्स कास्ट में और आज हम बात करेंगे यूरोप की। वेस्टर्न ओवरसीज से प्रदीप बालन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमटी साहब वेलकम करते हैं आपका। एमटी साहब, सबसे पहले वेस्टर्न ओवरसीज को ही लेकर सवाल है, कहां कहां आप डील करते हैं यूरोप में? सर देखिए, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें हम डील करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट वीजा की हम बात हो रही है, टूरिस्ट वीजा की भी बात कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट वीजा को डेडिकेटेड शो है तो स्टूडेंट वीजा। जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, लिथुनिया, क्रोशिया, माल्टा, ये सब कंट्रीज हैं जिनमें वेस्टर्न ओवरसीज डील करता है। तकरीबन 15-16 कंट्रीज हैं शेंगेन जिसमें हम डील करते हैं। और यूरोप जाने के फायदे क्या हैं सर? ठीक है, बाकी कंट्रीज में हमने देखा है, सुना है, आपने भी बताया डिटेल में कहाँ कितने फायदे हैं, लेकिन यूरोप ही क्यों सर? देखिए, यूरोप में अगर बच्चा जाना चाहता है तो फायदे बहुत हैं। सबसे पहले तो कि किसी एक कंट्री में जाता है तो उसको शेंगेन कंट्री ट्रैवल करने का, जितने भी 25-26 कंट्रीज हैं उन सब में बच्चा ट्रैवल कर सकता है। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद किसी भी कंट्री में वो सेटल होना चाहे, वो माइग्रेट होना चाहता है तो ही कैन माइग्रेट। तो मतलब एक वीजा पे वो 26 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकता है और उन सब कंट्रीज में सेटल हो सकता है। ओके, दूसरा लो बजट, तीसरा क्योंकि पास्ट में पॉपुलर नहीं था लेकिन यूरोप में पॉपुलर हो रहा है डे बाय डे। अब देखा जाए वर्ल्ड के अनदर कोने में भी बच्चे जा रहे हैं लेकिन यूरोप को बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पे वेल सेटल हैं। जर्मनी की बात करें, जर्मनी जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो सब वहीं से बनती है। ठीक है, आप फ्रांस की बात करो, अप टू 5 ईयर का वर्क वीजा मिलता है। आप बात करो फिनलैंड की, आप बात करो इधर स्वीडन की, वहां पे स्पाउस वीजा लगता है। आप बात करो, आपने होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे करियर बनाना है तो वर्ल्ड में कहीं भी घूम लो एक ही नाम आता है, दैट इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, 6 मंथ की स्टडी है, 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप है। ठीक है, इसके अलावा स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट सेमेस्टर में बच्चा जाता है तो पूरे वर्ल्ड से वो प्लेसमेंट, मतलब इंप्लॉयर्स को बुलाकर प्लेसमेंट देते हैं। मैं स्विट्जरलैंड की हम बात कर रहा हूँ। तो लातविया की बात करें तो बहुत लो बजट में आप बच्चा जा सकता है। माल्टा की बात करें, लो बजट में, लो बजट है ये भी। बच्चे की प्रोफाइल वीक है थोड़ी है तब जा सकता है, फंड्स लो है तब भी जा सकता है। इसके अलावा बच्चे के पास आईएलटीएस या पीटी में स्कोर कम है तब भी वो जा सकता है। तो लो बजट में जा सकता है, 25-26 कंट्रीज में ट्रेवल कर सकता है, वर्ल्ड के किसी भी 25-26 कंट्री जो भी है उन सब में कहीं पे भी सेटल हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता ये किसी और कंट्री में ये सारी चीजें। आप कह रहे हैं आईएलटीएस और विदाउट पीटी, इज इट पॉसिबल? यस पॉसिबल है, लेकिन विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। मतलब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, यस, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में इंटरव्यूज आता है। अच्छा, तो बच्चे को अपनी खुद फाइल सबमिट करनी होती है और 2-4-5 क्वेश्चन वीजा ऑफिसर पूछता है। तो जिस जो बच्चा 5.5 बैंड के इक्वल है ही और सी कैन इजीली क्रैक द आई। कुछ लोग कहते हैं इंटरव्यू की जरूरत नहीं होती, ठीक है, यूरोप के किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करेंगे इंटरव्यू आना ही आना है। ओके, और इंटरव्यू में किस तरह के सवाल हो सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो काफी सवाल पूछता है, काफी डॉक्यूमेंटेशन देखता है सर? यूरोप में अगर बात करें तो ओवरऑल तो सारे कंट्रीज का मोस्टली सेम ही है कि व्हाई चूज दिस कंट्री, व्हाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, फंड्स कितने हैं, ठीक है, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कोर्स, ये सारे हैं। वो सारी टेंशन वेस्टर्न ओवरसीज की है, वेस्टर्न ओवरसीज के पास डेडिकेटेड टीम है, वो बच्चे को जब इंटरव्यूज के लिए जाता है तो बच्चे को पहले प्रिपेयर करके भेजते हैं, साथ साथ में बच्चे को थोड़े से डीप रिसर्च खुद भी करने होते हैं, निकल जाता है बच्चे का इंटरव्यू। एक स्पाउस वीजा को भी वेलकम करता है और सेटल होने की अपॉर्चुनिटी क्या देता है सर यूरोप? देखो, अगर मैं स्पाउस की बात करूं तो दो कंट्री मैंने ऑलरेडी बताए हैं, एक फिनलैंड है, एक आपका स्वीडन है। इन दो कंट्रीज में स्पाउस साथ जा सकते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, ड्यूरिंग स्टडी वर्क राइट है और उसका स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है। और इसके अलावा आपने सेटलमेंट की बात करी, तो सेटलमेंट को लेके हर एक कंट्रीज का डिफरेंट है जी। अब जैसे फ्रांस की बात करें, मास्टर्स आप करते हैं तो अप टू 5 ईयर का आपको वर्क वीजा मिलता है। ठीक है, हम जर्मनी की बात करें अप टू 18 मंथ का वर्क वीजा मिलता है। हम दूसरी किसी कंट्री की बात करें तो किसी में 1 साल, किसी में 1.5 साल, किसी में 2 साल का जी। एक तरह से ये जॉब सीकर वीजा है। स्टडी कंप्लीट आपकी होगी, रिलेवेंट फील्ड में आप एम्प्लॉयर फाइंड आउट करें, अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आपको फिर वर्क वीजा में चेंज हो जाता है एंड देन धीरे धीरे आप वहां पे सेटल हो सकते हो। किस तरह के कोर्सेज में सर ज्यादा चांस है वीजा लगने के और बच्चों को क्या कहेंगे आप? ठीक है, कम बजट है तो बच्चे कहाँ जाए, ज्यादा बजट है तो कौन सी कंट्री आपके लिए परफेक्ट हो सकती है?
देखिए यूरोप में अगर आप कोस्ट की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ एजुकेशन लेवल की बात करते हैं। जो बच्चे 12 पास है मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में बैचलर्स करना बच्चे जाते हैं, जिन बच्चों ने बैचलर्स कर रखी है वो मास्टर्स के लिए जाते हैं। बैचलर्स 3 ईयर की है, मास्टर्स अप टू टू ईयर की। और दूसरा क्वेश्चन आपका था सर, दूसरा मेरा सवाल था किस कोर्स में जाएं जी। कोर्स सिलेक्शंस की बात करें तो रिलेवेंट फील्ड में बच्चे को जाना होगा। ओके, लाइक अगर बच्चे ने 12th आर्ट से कर रखी है तो बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट इस टाइप के कोर्सेज में जा सकता है। जो बच्चा मेडिकल वाला है तो अगेन उसको मेडिकल फील्ड में, और जो बच्चा कॉमर्स वाला हो मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज करें, जो नॉन मेडिकल वाला बच्चा है तो डेफिनेटली ही और सी विल गो फॉर द आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। ऐसे ही जो बच्चे बैचलर्स हैं रिलेवेंट फील्ड में अपनी मास्टर्स कर सकते हैं, और एमबीए तो हर एक बच्चा कर सकता है। किसी बच्चे ने किसी भी फील्ड में बैचलर्स की है एमबीए तो कर ही सकता है, तो रिलेवेंट फील्ड में जाए इट विल बी बेटर। और वीजा ऑफिसर अगेन एक क्वेश्चन तो करता ही है कि आपका आउटकम क्या होगा इस कोर्स का, तो अगर रिलेवेंट फील्ड में कर रहे हैं तो डेफिनेटली वीजा ऑफिसर भी समझता है और बच्चा भी सेटिस्फाई कर देता है। आपने कई कंट्रीज के नाम लिए हैं, अब माल्टा, लातविया की बात करें वहां पर, या फिर पोलैंड की बात की जाए तो वहां पर कहा जा रहा है कि एक तो लैंग्वेज बैरियर है और पैसा कम मिलता है। सर सवाल वही है मेरा कि काम करने की आजादी कितनी है और वाकई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज है कि बच्चा पढ़े भी और कमाए भी। देखो लैंग्वेज बैरियर तो ये यूरोपियन कंट्रीज इंग्लिश कंट्री नहीं है, हर एक कंट्रीज की अपनी लोकल लैंग्वेज है। ओके, लेकिन आप देखिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर आपको तब आता है जब आप जॉब पे होते हो, पढ़ाई में नहीं आएगा। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज और मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ड्यूरिंग स्टडी लोकल लैंग्वेज बच्चे को सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा जर्मन में गया तो जर्मन लैंग्वेज वो साथ में सिखाते हैं। ऐसे ही लातविया है, लिथुनिया है, पोलैंड है, माल्टा है, हंगरी है, किसी भी कंट्री की बात कर लें, सारे के सारे अपनी लोकल लैंग्वेज बच्चे को सिखाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहेगा वैसे सीख लेता है। जब हम पैदा हुए हमें हिंदी पंजाबी नहीं आती, धीरे धीरे क्योंकि पेरेंट्स का एनवायरनमेंट था, फैमिली सोसाइटी का और पढ़ाई का, जिस लैंग्वेज में हमने जहां रहे जैसे रहे तो वो सीख लिया। ऐसे ही आप जब वहां जा रहे हैं, ठीक है डेफिनेटली आपको शुरू में प्रॉब्लम आएगी लेकिन धीरे 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 ये और कम हो सकती है। बात करें आपके पास जब आप बोल रहे हो कि काम करने कितनी है, यस अप टू 20 हाउस पर वीक, किसी में 15 घंटे हैं, किसी में 18 घंटे, किसी में 20 घंटे हैं, हर एक कंट्रीज का अलग अलग है। अप टू 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं, वैकेशन में फुल टाइम है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी मैंने बताया कि कहीं एक साल है, कहीं 18 मंथ है, तो कहीं अप टू 5 ईयर का वक्त ही जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरी डिटेल में बताया हमें। तो यूरोप के दरवाजे खुले हैं, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर है, सिर्फ करना है कॉल और आपका वीजा लग सकता है। धन्यवाद।